हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2023 का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। रिमाइंडर निकालना है या डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, इस नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, पूछा है 14 या 34। 14 एंड 34 के प्राइम फैक्टर 2, 7 एंड 17 है। 14 का प्राइम फैक्टर 2 एंड 7 है, इसका 2 एंड 17 है। अगर इस नंबर को 2, 7, 17 तीनों नंबर अगर डिवाइड किए तो इसको बोथ 14 एंड 34 डिवाइड करेगा। अब देखते हैं 25 टू द पावर 190, ये क्या नंबर है, ऑड, दिस इज ऑड। फिर 19 टू द पावर 190 क्या है, दिस इज ऑड, दोनों ऑड है। फिर ऑड माइनस ऑड तो ये रिजल्ट जो है दिस इज इवन, ये इवन नंबर हो गया। ऑड माइनस ऑड इज इवन। फिर माइनस 8 टू द पावर 190 ये इवन है, एंड 2 टू द पावर 190 इवन है, दैट मीन्स सम इज ऑल्सो इवन। तो ये पूरा टोटल सम, तो फिर ये दोनों का डिफरेंट इवन एंड दिस इज इवन, टोटल सम इज इवन, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। सो 2 जो नंबर है, 2 इसका एक फैक्टर है, दिस इज डिविजिबल बाई 2। उसी प्रकार 25 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 8 टू द पावर 190 प्लस 2 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190। सो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 8, 25 टू द पावर 189 प्लस 25 टू द पावर 188 इंटू 8 प्लस डॉट 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 25 इंटू 8 टू द पावर 188 प्लस 8 टू द पावर 189। सो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इसी प्रकार इसके केस में भी 2 माइनस 19 टू टू द पावर 189 प्लस 2 टू द पावर 188 इंटू 19 प्लस डॉट डॉट 2 इंटू 19 टू द पावर 188 प्लस 9 टू द पावर 189। इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ये हो गया हमारा माइनस 17, ये हो गया हमारा 17। 17 एक फैक्टर है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 17 मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 17। सो इसका 17 एक फैक्टर है, 17 ऑल्सो इज ए फैक्टर। सो 2 एंड 17 आर फैक्टर मीन्स इसको 34 डिवाइड करेगा। अभी अगर 7 भी डिवाइड करे तो 14 भी डिवाइड करेगा। अभी 7 के लिए देखते हैं, 7 डिवाइड करेगा या नहीं। अब 7 के लिए 25 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7, फिर 24 स्क्वायर 25 क्यूब 4 क्यूब 64 मॉड 7, दैट मीन्स ये 64 क्या होगा, 7 के साथ 1 होगा। 25 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, सो 190 हो गया। 190 बनाने के लिए 190 डिवाइडेड बाय 3, 6 are 18, 3, तो 63 पावर कर देंगे। 63 इक्वल टू 1 मॉड 7, 63 पावर कर दिया तो 25 टू द पावर 189 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। सो 25 टू द पावर 190 कॉन्ग्रुएंट टू
25 मॉड 7, 25 को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या होगा, 4 मॉड 7। तो इसको 25 टू दी पावर 190 को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। पहले वाले में रिमाइंडर 4 आया, तो इसमें क्या आएगा। फिर 19 को देखते हैं, 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 मॉड 7। 21 कॉन्ग्रुएंट टू 7 होता है, सो 19 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 क्यूब मॉड 7। माइनस 2 क्यूब मतलब माइनस 1, 8 माइनस 8 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड 7। ये माइनस 8 हो गया, माइनस 8 मतलब माइनस 1 मॉड 7। Therefore, 19 to the power 6 congruent to 1 mod 7. So, 6 power अब कितना कर सकते हैं, 19 to the power 6 to the power 31 congruent to 1 mod 7. 19 to the power 186 congruent to 1 mod 7. फिर अब इसको फिर हम क्या करेंगे, क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 टू द पावर 189 कॉन्ग्रुएंट टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से माइनस 1 मॉड 7। फिर एक बार 19 से मल्टीप्लाई करने से 19 टू द पावर 190 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 19 मॉड 7। तो ये कितना होगा, माइनस 19 मतलब 14 को यहाँ से हटा देने से माइनस 5 मॉड 7, माइनस 5 मतलब 2 मॉड 7। सो इसको 19 को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आता है, सो यहाँ पे माइनस 2 होगा, ये माइनस के कारण ये माइनस 2। तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा 2, यहाँ पे 4, 4 माइनस 2 मिला है। अब यहाँ से क्या रिमाइंडर निकलता है वो देखते हैं। 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, तो 8 टू द पावर 190 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। तो इसको 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, सो माइनस 1 है, तो यहाँ पे होगा माइनस 1। फिर अब 2 के केस में 2 क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, सो 2 क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 मतलब 2 टू द पावर 2 क्यू टू द पावर 63 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, 2 टू द पावर 189 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, सो 2 टू द पावर 190 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 7। सो यहाँ से क्या रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर 2 मिलेगा, सो टोटल रिमाइंडर क्या हो गया, 6 और इधर माइनस 3 इक्वल टू 3। तो इसको 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर हमको मिल रहा है 3। सो हमको रिमाइंडर 3 मिला है, दैट मीन्स 7 डज नॉट डिवाइड दिस नंबर, 7 डिवाइड नहीं करता है, देयरफॉर 14 भी डिवाइड नहीं करता है, तो आंसर ऑप्शन डी सही रहेगा, 34 डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है एंड 17 से भी डिविजिबल है, तो 34 से डिविजिबल होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 14, क्योंकि 7 डिवाइड नहीं करता है नंबर को, इस नंबर को। तो इस प्रॉब्लम का आंसर डी है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।